गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. आई एम ममता जोशी फ्रॉम टी डी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. चिल्ड्रंस, होप ऑल ऑफ यू आर इन योर बेस्ट हेल्थ. चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन 11, पेज नंबर 46, फेस्टिवल्स. हम आज फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप अपनी ये बुक निकालो SST की. प्लीज़ टेक आउट योर बुक ऑफ SST. दिस इज़ योर बुक एंड दिस इज़ योर चैप्टर. ओके, त्यौहारों के बारे में हम पढ़ेंगे. त्यौहार बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना बच्चों. आपको छुट्टी भी मिलती है, आप एंजॉय भी करते हो, चॉकलेट्स खाते हो, सबके घर मिलने जाते हो और सबके पैर छूते हो, सबसे आशीर्वाद लेते हो और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो. आज सब हम अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू रीड द चैप्टर. प्लीज़ पे अ कीन अटेंशन ऑन योर ऑन माई वर्ड्स. प्लीज़ टेक आउट योर बुक बिकॉज विदाउट बुक यू वोंट अंडरस्टैंड वॉट एम आई रीडिंग. ओके ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग लेसन 11, फेस्टिवल्स, पेज नंबर 45. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. देर आर मैनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Festival is a time to celebrate and have fun. Some of the most celebrated festivals in India are Holi, Mohram, Mahashivratri, Raksha Bandhan, Onam, Durga Puja, Diwali, Guru Nanak Birthday, Christmas and Eid ul Fitr. अब हम पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भारत जो हमारी देश है, हमारा देश भारत जो है वो त्यौहारों का देश है. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. अब फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल वो है जहाँ पे हम बहुत वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके एंजॉय करते हैं. अब हमारे भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि उनमें से कुछ जो है वो ये है जिनके नाम है होली, मुहर्रम, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, ओणम, दुर्गा पूजा, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, क्रिसमस एंड ईद उल फित्र. ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया में. अब फर्स्ट हम फेस्टिवल लेंगे होली. वाओ, होली कैसा फेस्टिवल है बच्चों. आप बहुत एंजॉय करते हो, एक दूसरे को रंग के सबको कलरफुल बना देते हो, है ना. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. We celebrate this festival by lighting a bonfire in the evening to mark the burning of Holika, the evil. Holika, the evil. This is a spring festival and is celebrated in most parts of India, usually in the month of March. People throw color water and dry colors, gulal, in on each other. They also exchange sweets. अब हम होली में क्या करते हैं? होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और हम इसे एक दूसरे को रंग के इसको सेलिब्रेट करते हैं. पर उसके एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं. होलिका दहन की भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त है और होलिका जो है विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उनको गोदी में बिठा के कर जलते हैं. पर उनको एक आशीर्वाद होता है, वरदान होता है कि वो कभी जलेंगे नहीं. पर जब हम हमारा जो नियम नीति जो होती है गलत होती है तो वो जो आशीर्वाद है वो भी विफल हो जाता है और वो होलिका जल जाती है. और उसके बाद से ये हमारी ये मान्यता है कि होलिका दहन में सारी बुराइयाँ, सभी की सारी बुराइयाँ नष्ट हो जाए. इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की सारी बुराइयाँ नष्ट हो जाए और दुनिया में सिर्फ अच्छा ही रहे. ठीक है, अब ये जो होली है उस समय स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, ठंड के बाद आता है और यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है इंडिया के सारे पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल की रूप में भी माना जाता है. जो किसान लोग खेत में जो काम करते हैं, किसान भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है. ओके, अब यहाँ पे लोग कलर वाला पानी भी एक दूसरे पे डालते हैं और गुलाल भी डालते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं, बड़ों से पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं. ये है हमारा होली का त्यौहार जो रंगों से भरा हुआ है और प्यार से भी भरा हुआ है.
चिल्ड्रंस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी होली में आप कलर खेलो तो सूखे कलर से खेलो, ताकि अगर और कोई चाइनीज़ कलर से ना खेलो, जिससे कि अपनी स्किन भी डैमेज हो जाए। ओके, चाइनीज़ कलर, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, और चाइनीज़ कलर बिल्कुल यूज़ ना करो, अपने गुलाल से खेलो और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करो। अब नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में क्या होता है? रक्षाबंधन और राखी इज़ अ वेरी पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। सिस्टर टाई कलरफुल थ्रेड्स, सिस्टर टाइज कलरफुल थ्रेड्स ऑफ राखीज ऑन दियर ब्रदर्स रिस्ट। द ब्रदर्स इन टर्न प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट दियर सिस्टर्स। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अवर कंट्री। हमारा प्यारा रक्षाबंधन त्यौहार, जो एक भाई बहन का त्यौहार है, ऐसा नहीं है भाई बहन रोज़ ही एक दूसरे से, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट लेते हैं, देते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। पर रक्षाबंधन के दिन बहनें जो हैं अपने भाई के हाथों में, भाई की कलाई में राखी बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे भाई की हमेशा भगवान रक्षा करते रहे, और इन टर्न भाई जो है वो भी अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि हर मुश्किल समय में आई विल बी देयर फॉर यू। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा भाई भी प्रॉमिस करता है। ये कलरफुल थ्रेड्स जो होते हैं, बहुत बार बहनें अपने हाथों से भी बना के भाइयों को बांधती है, बाकी राखी तो मार्केट में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ही भाई बहन का प्यारा प्यार का प्यारा भरा प्यार भरा त्यौहार है, और हमारे देश में बहुत से स्टेट्स में ये फंक्शन, ये फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज़ दिवाली। मतलब त्यौहार तो सब एक से बढ़कर एक होते हैं, हम हर त्यौहार में एंजॉय करते हैं, क्योंकि त्यौहार जो है वो एक भाईचारा और प्रेम की भावना लाता है। इसीलिए त्यौहार्स आर ऑलवेज, फेस्टिवल्स आर ऑलवेज वेरी डिलाइटेड। अब दिवाली, दिवाली में हम क्या करते हैं, कब आती है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा एंटर्ड अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। दिवाली इज़ एन ओकेजन ऑफ अ ग्रेट फन एंड हैप्पीनेस। People worship goddess Lakshmi and seek her blessings for their happiness and prosperity. Houses are lighted up with attractive and colorful lights. Children decorate their homes and distribute sweets to each other. Diwali जो है वो लाइटों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन अपने घर पे सब दिए प्रकट करते हैं, और पहले तो सबसे पहले दिवाली में अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई करते हैं, और दिवाली के दिन अपन घर में पूरे घर पे लाइट्स दिए कर देते हैं, जिससे हमारा घर जगमगा उठता है। ये त्यौहार जो है हिंदुओं का त्यौहार है, और इसे हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये अपन दिवाली फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे, तो अयोध्या की नगरी और अयोध्या के नगर के लोग बड़े ही खुश हो गए थे कि आज हमारा राजा हमारे घर वापस आ रहे हैं, और उसके लिए लोगों ने पूरे अयोध्या को सजा दिया था दियों से, और बहुत ही एंजॉय किया था कीर्तन वगैरह करके। तो इस दिन हमारे श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद घर अयोध्या पधारे थे, इसीलिए भी हम ये त्यौहार दिवाली मनाते हैं। इस दिन हम दिवाली के दिन हम श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी खुशियाँ और हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा वैभव हमेशा बरकरार रखना। उसके बाद इस घर को हम बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, कलरफुल लाइट्स से सजाते हैं, रंगोलियाँ करते हैं और स्वीट्स मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे से, दूसरे को, और हमारे घर में सभी आते हैं, बड़ों के हम पैर छूते हैं। ये हमारी प्रथा है कि हम सभी बड़ों को पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये हो गया हमारा त्यौहार दिवाली।
चिल्ड्रंस टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू दी पार्ट फ्रॉम दुर्गा पूजा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर चिल्ड्रंस.